महिलाओं ने हाथ में बेलन लेकर किया प्रदर्शन। बलात्कारी को फांसी की सजा की मांग कर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। पाली जिले तख्तगढ़ के पिछावा गांव में 25 जनवरी को 10 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या के मामले को लेकर सर्व महिला समाज समिति ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भागीदारी निभाई। उन्होंने यहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा मासूम की रेप के बाद हत्या कर शव कुएं में फेंकने की घटना को लेकर विरोध जताया। साथ ही आरोपी नरपत सिंह जोधा को फांसी दिलाने की मांग को लेकर एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा, आरोपी द्वारा 10 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या करना माफी योग्य नहीं। ऐसा हैवान समाज में रहने योग्य नहीं, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस दौरान महिलाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला जलाया। इस दौरान चौधरी समाज महिला मंडल, जैन तेरा पंथी समाज महिला मंडल, घांची समाज, माली समाज, सैन समाज, दुर्गा वाहिनी, लखोटिया महिला मंडल, राजपुरोहित समाज महिला मंडल सहित विभिन्न समाज और मंडलों की महिलाएं मौजूद रहीं। नव भारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। आप सभी जानते हैं कि ये सभी छोटे छोटे बच्चों का जो बलात्कार हो रहा है, और सिर्फ बलात्कार ही नहीं, रोड पर बैठ कर उनकी हत्याएं भी की जा रही है। कुछ साल पहले एक 6 महीने की बच्ची का घर पर ले जाकर बलात्कार किया गया। 6 महीने की बच्ची कुछ नहीं समझती है, उसे जुलाई की तपती धूप में बिना किसी कपड़े के घर पर रख दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? ना कोई सच्चाई ना कोई बात, जबकि सभी जानते हैं कि वो इंसान कौन था, फिर भी उस 6 महीने की बच्ची का बलात्कार एवं हत्या कर दी गई। यदि आप प्रधानमंत्री नहीं होता है तो हम सब कर दीजिए। हम इंसान
साइड में। Yes, no!